हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज हम प्लास्टिक बॉटल का यूज़ करके एक प्लांटर या स्टेशनरी होल्डर बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक गत्ते के ढक्कन का यूज़ एज ए मोल्ड किया है। आप किसी भी शेप के गत्ते का यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक जो प्लेट होती है डिस्पोजल वाली, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट सीमेंट को हमें एक लिक्विड फॉर्म में बनाना है और हम इसमें मोल्ड में हम अपने डाल देंगे। उसके बाद हम प्लास्टिक की बॉटल्स को कट करके उसमें नीचे हमने होल किया है और हम इसके अंदर रख देंगे 24 आवर्स के लिए। अभी अच्छे से हमारा ड्राई हो गया है। ड्राई होने के बाद जो इसके किनारे हैं या एक्स्ट्रा वर्क है, हम उसको सैंड पेपर से इक्वल कर लेंगे। और इसके बाद हमने इस पर ब्लैक कलर का पेंट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेंट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड मटेरियल डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लिंक के थ्रू बाय कर सकते हैं। यहाँ हमने लीव्स एंड फ्लावर्स बनाए हैं और बीच में हम ये थोड़ा सा फ्लावर्स बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी इसकी थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर सकते हैं और आप इसको एज ए स्टेशनरी होल्डर यूज़ कर सकते हैं एंड इसमें छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं। इसको हम हैंग कर सकते हैं। हैंग करने से जो भी आपकी टेबल का स्पेस होगा वो रहेगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। आप इसको इजीली वॉल पे हैंग कर सकते हैं और इसका फाइनल लुक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं एंड मुझे स्टार भी सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।